मैं तो तब से जॉय मोहन बगान करने का सोच रहा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, मगर ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? इद्रिसा सिला का लेट इक्वलाइजर हैव पुट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बैक इन दिस सेमीफाइनल मैन। नाउ ऑल बोथ द सेमीफाइनल्स आर सेट, मुंबई वर्सेस गोवा 2-2। नेक्स्ट सेमीफाइनल विल बी ऑन 8th, एटीके मोहन बगान वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 1-1। नेक्स्ट सेमीफाइनल विल बी ऑन 9th। सेट गेम मैन, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी बोथ दीज गेम्स नाउ, क्योंकि मजा आने वाला है अब दोनों मैचेस में। और अवे गोल रूल है नहीं, तो जो भी टीम ज्यादा गोल मारेगी वही जीतेगी। और अगर एक्स्ट्रा टाइम में भी गोल नहीं खला सेकेंड मैच में और दोनों टीम्स सेम गोल्स पर हैं, तो पेनल्टी से डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी। बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस एटीके मोहन बगान के मैच की। अच्छा मैच था, उतना एंटरटेनिंग नहीं रहा, बट आप उतने एंटरटेनिंग मैच की उम्मीद भी नहीं कर सकते हो जब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और एटीके मोहन बगान खेल रही हो। एटीके मोहन बगान, आप सबको पता है, उतना गेम कंट्रोल करना चाहती नहीं है वो, बस वो एक दो गोल स्कोर करके मैच जीत लेते हैं, क्योंकि उनका डिफेंस बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। इवन दी मिडफील्ड एंड अटैक की तो क्या ही बात करें। आज फिर से वो नजर आया, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के अगेंस्ट पहला गोल मारा एटीके मोहन बगान ने। लॉन्ग बॉल आई थी और वहां पर जबरदस्त, क्या ही कंट्रोल था रॉय कृष्णा का वहां पर। और रॉय कृष्णा ने बॉल कंट्रोल करके दी डेविड विलियम्स को, जिन्होंने कोई भी गलती नहीं करी, बड़े आराम से राइट फुट से बॉल लेकर अपने लेफ्ट फुट पर लाए और फिनिश करा बॉटम कॉर्नर ऑफ दी गोल। ये था वो गोल। तो बहुत ही अच्छा मैच हुआ है ये। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मगर यहाँ पर ज्यादा खुश होगी एटीके मोहन बगान के कंपैरिजन में, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अगर आज हार जाती तो उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती सेकेंड सेमीफाइनल में। मगर अब जो ये मैच हुआ है, सेम इक्वल गोल्स खेले हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के पास चांस है फाइनल में जाने का। और फर्स्ट इंडियन कोच बन जाएंगे खालिद जमील टू गो इन टू दी फाइनल्स। और जमील की क्या ही तारीफ करें, अगेन अनबीटन। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आर नाउ अनबीटन इन 10 गेम्स, और 10 गेम्स से वो लोग नहीं हारे हैं, 6 जीते हैं, 4 ड्रॉ हुए हैं, चौथा ड्रॉ आज हुआ है। बात करते हैं इक्वलाइजर की, जो आया 90+3 मिनट्स में। 6 मिनट्स का एडिट टाइम दिया गया था, इंजरी टाइम दिया गया था, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने कर दिखाया। लुइस मचाडो ने क्रॉस डाला, मगर उसके पहले बहुत ही अच्छी लॉन्ग बॉल पीछे से मिली थी इद्रिसा सिला को, और सिला ने कोई भी गलती नहीं की, उन्होंने बॉल दी लुइस मचाडो को, लुइस मचाडो विंग पे गए और वहां से क्रॉस डाला। और तब तक सिला बॉक्स में पहुंच चुके थे, और जो क्रॉस आया परफेक्ट क्रॉस था, इद्रिसा सिला जहां पर थे वहीं पर, और जो उन्होंने हेडर लिया, कोई चांस ही नहीं थी कि अब एटीके मोहन बगान के गोलकीपर रोक पाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा हेडर था और बहुत ही अच्छे से प्लेस किया था उन्होंने। वो बार में लग के बॉल अंदर गई, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के फैंस जो खुश हुए हैं उस टाइम, आई एम श्योर आप लोग जो खुश हुए होंगे, क्योंकि अब उनको पता है कि आज देशॉन ब्राउन नहीं थे, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की वहां एक कमी खल रही थी। बार बार जो प्लेयर्स थे उनको मिडिल में कोई नहीं मिल रहा था। इद्रिसा सिल्ला बाद में 75th मिनट के अराउंड आए, और तब उन्होंने थोड़ा वो चेंज किया, मगर देशॉन ब्राउन की आज कमी बहुत ज्यादा दिखी है। उन्होंने हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी उनको आज ट्रेनिंग में मैच के पहले, तो इसलिए वो आज मैच में नहीं थे। और अब उम्मीद कर रहे हैं सब लोग कि देशॉन ब्राउन सेकेंड लेग में जरूर खेले, क्योंकि अगर वो सेकेंड लेग में खेलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास ज्यादा चांस है अब फाइनल में पहुंचने का। यहां पर एंटोनियो हबास थोड़े गुस्सा होंगे, मगर मैं तारीफ करना चाहूंगा मैक हफ की, बिकॉज क्या ही डिफेंडिंग की है इस बंदे को, आप कहीं पर भी खिला दो, ये अपना बेस्ट देता है। और यहां पर आज ना टिरी थे ना झिंगन थे, तो सेंटर डिफेंस जो था एटीके मोहन बगान का वो इतना स्ट्रांग नहीं था, मगर देशवान ब्राउन जो नहीं थे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर पाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एटीके मोहन बगान के लिए। मगर फिर भी मैकहाफ सेंटर बैक खेल रहे थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी डिफेंडिंग करी, वो तो लास्ट में ये एक गोल आ गया, वरना बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आराम से एक बार फिर से एटीके मोहन बगान 1-0, 2-0 की तरह फिर से ये मैच ले जाती, और सेकेंड जो लेग रहता उसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता।
मगर अब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आर नॉट इन प्रेशर। ये मैच जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट लेग, इसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बहुत ज्यादा प्रेशर में लग रही थी एंड एट के मोहन बगान वर लुकिंग कंपोज्ड। उनको आदत सी ऐसा लग रहा था कि ये टीम पहले खेल चुकी है इस लेवल पर, तो दे नो दे कैन एब्जॉर्ब दैट प्रेशर। मगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से वो देखने को नहीं मिला। फिर भी वो लोग ट्राई करते रहे, ट्राई करते रहे, ट्राई करते रहे और एंड में दे फाउंड दैट गोल दैट हैव पुट देम बैक इन दिस गेम मैन, बैक इन दिस सेमीफाइनल। तो ये था मैच एनालिसिस इस गेम का। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपका रिएक्शन क्या है, आपको कैसा लगा ये मैच, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यूट्यूब चैनल को स्पोर्ट्स गीक के। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो फॉलो करना मत भूलिएगा स्पोर्ट्स गीक के प्लेटफॉर्म को। मैं जल्दी वापस आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक घर पर रहिए और स्पोर्ट्स गीक देखते रहिए।